2 नवंबर से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का जितने भी करंट अफेयर है, जिसमें 1 नवंबर और 2 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उस सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो जो है देखते रहिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है बिल्कुल देखते रहिए। तो पहले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, जिसमें है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य योजना आयोग के किस बुक का जो है विमोचन किए। तो यह दोस्तों दिशा बुक का जो है विमोचन किए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों। और यह जो है यह एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर है दोस्तों, और इस बुक का नाम है दिशा बुक का जो है विमोचन किया दोस्तों 1 नवंबर राज्य उत्सव के दिन दोस्तों, राज्य स्थापना दिवस के दिन दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यालय में तो इस बुक का जो है विमोचन किया। दूसरे प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य स्थापना दिवस पर किस योजना का जो है शुभारंभ किया। तो दोस्तों यह योजना है सुराजी गांव योजना का जो है भूपेश बघेल के द्वारा शुभारंभ किया दोस्तों, जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों राज्य स्थापना दिवस पर दोस्तों सुराजी गांव योजना का शुभारंभ किया, जिसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, गौठानों को सुचारू रूप से संचालन करने और आदि और बहुत कुछ है दोस्तों, इसी जो है को चलाने के लिए यह योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। दोस्तों तीसरे प्रश्न पर देखते हैं, जिसमें जांजगीर ज़िले में कितने नए तहसील बनाए गए। तो यह दोस्तों 4 तहसील नए बनाए गए दोस्तों, और यह जो है 31 अक्टूबर को जो है इसका घोषणा हो गया दोस्तों, जिसमें दोस्तों बमनीडीह, बाराद्वार, अड़भार और सारा गांव को जो है बनाने का घोषणा किया दोस्तों, जिसमें मुख्यमंत्री जांजगीर के पटेल उद्यान में जो है लौह पुरुष सरदार पटेल के उनके प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसी मौके पर दोस्तों 4 नए तहसील बनाने का भी घोषणा कर दिया। चौथे प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री 2019 की सूची में प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस मंत्री को जो है सम्मिलित किया गया है दोस्तों। यह ताम्रध्वज साहू को जो है सम्मिलित किया गया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री के जो 21 मंत्रियों की एक सूची है दोस्तों, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू को जो है सम्मिलित किया गया है, जो 9 नवंबर को होने वाले नई दिल्ली में आयोजित फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री की सूची में उन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, जिसके तहत फेम जिसका सर्वे जो है सर्वे फेम इंडिया मैगजीन ने सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट के साथ दोस्त 8 बिंदुओं पर किया किया गया दोस्तों सर्वे, जिसमें व्यक्तित्व, छवि, कार्यक्षमता, प्रभाव, विभाग की समझ, दूरदर्शिता, लोकप्रियता और कार्यशैली और कार्य के इन 8 बिंदुओं पर जो है सर्वे किया गया है दोस्तों। अगले 5वें प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, में से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह दोस्तों रविश कुमार को जो है सम्मानित किया गया है दोस्तों। दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य स्थापना दिवस पर NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उसी प्रकार दोस्तों नवभारत के पत्रकार रोम शंकर यादव को जो है चंडूलाल चंद्राकर पत्रकारिता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिर 6वें प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस वर्ष किस पुरस्कार का जो है वितरण नहीं किया जाएगा। तो यह दोस्तों डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते और वीर नारायण सिंह पुरस्कार, इन 2 पुरस्कार को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस वर्ष जो है वितरण नहीं किया जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा दोस्तों। तो यह दोस्तों जो है जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जितने भी जिले आते हैं उसमें सीधी भर्ती में आरक्षण जो है 100% से अधिक पार हो जाने के कारण दोस्तों अब बस्तर संभाग में जिला संवर्ग के पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को उनके जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह दोस्तों 1 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में यह चीज़ का जो है घोषणा हो गया। फिर 8वें पर देखते हैं दोस्तों, जन स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ घोषित किया गया। तो यह दोस्तों दिल्ली में है, दिल्ली का प्रदूषण लेवल बहुत ही बढ़ जाने के कारण, जिसमें दोस्तों जन स्वास्थ्य आपातकाल दिल्ली में जो है घोषित किया गया, दिल्ली का जो है वायु आपात श्रेणी तक पहुंच जाने के कारण यह घोषणा किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा एक पैनल गठित किया गया था दोस्तों, EPCA का जो है यह फैसला है दोस्तों, जिसमें दिल्ली सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण से बचने के लिए स्कूली बच्चों को एंटी पॉल्यूशन मास्क स्कूली बच्चों को जो बांटा गया है दोस्तों, 1 नवंबर को जो है प्रत्येक स्कूल में जो है बांटा गया। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया ने अपने प्लेटफॉर्म में राजनीतिक विज्ञापनों पर जो है रोक लगा दिया गया। तो यह दोस्तों ट्विटर ने अपने जो है प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर
राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रचार प्रसार करने पर जो है रोक लगा दी गई है। 110वें पर देखते हैं भारत के नए जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा किसे चयनित किया गया। तो ये शरद अरविंद बोबड़े को जो है हमारे अगले मुख्य न्यायाधीश 37वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्हें नॉमिनेट किया गया है दोस्तों, चयनित किया गया है दोस्तों। अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, उनका जो है कार्यकाल 17 नवंबर तक है दोस्तों। उसके बाद 18 नवंबर को शरद अरविंद बोबड़े जो है शपथ लेंगे, जिसके तहत दोस्तों आपको इस में जानकारी है दोस्तों, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को भारत का 47वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जिसमें जो मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं दोस्तों। तो 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश का शपथ लेंगे जस्टिस अरविंद बोबड़े, और इनका कार्यकाल दोस्तों 23 अप्रैल 2019 तक रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो।